हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से आईटी ज्ञान में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे डेस्कटॉप सपोर्ट वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और आज हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ में आ रही है और अब आने वाले टाइम में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन अभी तक इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑटो पायलट की, और ऑटो पायलट में भी खासकर विंडोज़ ऑटो पायलट की। अगर आपको मैं शुरू से बताऊं तो अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या हेल्प डेस्क इंजीनियर हैं, तो आप क्या करते हैं एक कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए, आपके पास जब भी कोई एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है तो आप सबसे पहले उसे ओपन करते हैं और अपने कॉर्पोरेट इमेज को इंस्टॉल करते हैं और एक कंप्यूटर को, लैपटॉप या डेस्कटॉप को रेडी करते हैं और अपने यूज़र को देते हैं। जब यूज़र के साइड से कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम आता है तो उन्हें रीइंस्टॉल करना होता है, तो उन्हें आपके पास आना पड़ता है और आप उसे फिज़िकली लेकर रीइंस्टॉल करते हैं। ऑटो पायलट इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बदलने वाला है, या कहें कि बदल चुका है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया है, और इसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और अगले वीडियो में मैं आपको इसे डिटेल में कंप्यूटर पर दिखा के बताऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी अगर आप जब भी OS इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप SCCM का इस्तेमाल करते हो, और जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, उसको यूज़ करते हो, या फिर अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने एक इमेज बना के पेन ड्राइव में रखी होगी, हार्ड डिस्क में रखी होगी और उसके थ्रू इंस्टॉल करते होंगे। लेकिन ऑटो पायलट में क्या होगा कि जब भी कोई नया सिस्टम आएगा आपके पास, तो मैन्युफैक्चरर या वेंडर की तरफ से उसकी एक हार्डवेयर आईडी होती है जो कि आपके टेनेंट पे अपलोड कर दी जाएगी, और आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके पास एक्सेस है तो उस पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं। MEM पोर्टल उसे कहते हैं, एंडपॉइंट मैनेजमेंट पोर्टल होता है। वहाँ पर आप उस हार्डवेयर आईडी को या सीरियल नंबर को सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपके पास दो तरीके होते हैं इस सिस्टम में OS इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि जब नया सिस्टम आएगा तो आपके पास बिल्कुल प्री इंस्टॉल्ड OS रहेगा, जिसे वनीला OS कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। एकदम आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर आप एक फ़ोन को रीसेट करते हैं तो आपके पास क्या रहता है, एक बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप इसे अपनी तरफ से रेडी करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे इसे रेडी करने के लिए, आपके कॉर्पोरेट इमेज को अपलोड करने के लिए या कहेंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको पोर्टल में वाइप एंड इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा। आप पोर्टल से इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो भी आप सीरियल नंबर या कहें कि आपका होस्ट नेम, दोनों में से कोई भी चीज़ सर्च करके इसे वाइप कर दीजिए। वाइप करने के बाद सिस्टम नेटवर्क पे रहना चाहिए, या फिर नहीं भी रहा तो रहने, जैसे आप उसको दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टम पूरी तरह से वाइप हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा और वहाँ पे रीइंस्टॉलेशन चलने लग जाएगी। और इस बार जो रीइंस्टॉलेशन होगा वो आपका जो कॉर्पोरेट इमेज है, जिसे आपके एडमिन ने रेडी करके रखा है और उसमें जो बेसिक एप्लीकेशन है उन्हें ऐड करके रखा है, अगर आप एडमिन है तो आप उस पोर्टल से, MEM पोर्टल से वो सारी एप्लीकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं और वो सब की सब यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। और इस ऑप्शन को आप दूर बैठे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका यूज़र है जो कि रिमोट लोकेशन पे है, आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन उसके सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूरत है सिर्फ इंटरनेट की। अगर उसके पास नेटवर्क है, आप यहाँ से वाइप करिए, पूरा डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ज़रूरी है डाटा बैकअप अगर हुआ तो अच्छा है। वन ड्राइव में आजकल सभी यूज़ करते हैं और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आपको कहता हूँ कि अपने यूज़र्स को हमेशा बताइए कि डाटा जो भी है वन ड्राइव पर ही रखिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोई यूज़र रिमोट पर है, आपको अपने यहाँ सिस्टम से, पोर्टल से उस डिवाइस को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, कहीं आप गलती से दूसरे के सिस्टम को वाइप ना कर दे, और यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसका सीरियल नंबर लीजिए, होस्ट नेम लीजिए, आप दो तीन तरीके से उसे वेरीफाई कर दीजिए। आपके यहाँ कुछ असेट नंबर यूज़ होता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो सब तरीके से वेरीफाई करिए। यूज़र का एड्रेस देखिए, ईमेल देखिए, सब आपको दिख जाएगा पोर्टल में। उसके बाद इसे वाइप करिए। वाइप करते ही वहाँ पर अगर मशीन इंटरनेट से कनेक्ट है तो उस पर कमांड जाएगी और सीधा वो रीइंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगा। आपको आधा घंटा लग सकता है, ज़्यादा नेटवर्क स्लो रहा, बहुत अच्छा ना रहा रिमोट लोकेशन पे, तो 45 मिनट या एक घंटा लग जाएगा और उसके बाद वो पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। जैसे रीइंस्टॉलेशन ख़त्म होगा, उस यूज़र को क्या करना है, अपनी सिर्फ ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है और कुछ भी नहीं करना है। सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे और सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बट एक चीज़, आप उसमें अगर उसने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, कोई सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल कर रखा है, तो वो नहीं मिलेगा। और उस केस में आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप इस्तेमाल करिए क्विक असिस्ट, रिमोट लीजिए
और सारे एप्लीकेशन जो भी हैं सॉफ्टवेयर हैं आप उसे इंस्टॉल कर दीजिए। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं आउटलुक का वो कर दीजिए, टीम्स या जो भी वन ड्राइव या कोई भी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सेटअप है आप उसे कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जहां पर आपको रिमोट से नहीं करना है, आपके ऑफिस में ही है और या फिर कहें कि सिस्टम भी आपके पास है, यूज़र आपके पास आ गया है कि आप मेरा इसे करके रेडी करिए, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, तो आप उसको अपने से कर सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं वाइट ग्लोव मेथड, आप इसे खुद ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 बार आपको सिर्फ विंडोज़ बटन को प्रेस करना है, कमांड शुरू हो जाएगी और सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस वहां पर चल जाएगा। लेकिन इस केस में भी अगर सिस्टम आपके पास है, हाथों में है, फिजिकली यूज़र आया हुआ है, लेकिन आप फिर भी अगर उस पोर्टल पे जाके वाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में अगर जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना आपके लिए और हम सब के लिए काम ईजी हो जाएगा। अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ और उन्होंने इस मेथड को शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट भी चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करें। और इसमें होगा ये कि अगर आपको विंडोज़ के अलावा कोई और एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। जब आप उस पोर्टल को देखेंगे तो मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे से दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको कोई और गूगल की, मान लीजिए कोई गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ऐड करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आपके सिस्टम में अगर आपने गौर किया होगा, शायद आपके एडमिन की तरफ से एनेबल होगा तो आपको कंपनी पोर्टल देखने को मिलता है। अगर आप यूज़र को कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐड कर दीजिए, वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा और उसको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चीज़ें काफ़ी ईजी होने वाली हैं। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर छोटी सी बात बता दें ऑटो पायलट के बारे में, क्योंकि अभी सब कुछ चेंज होने वाला है, हर जगह सब कुछ चेंज हो रहा है। चैट जीपीटी आ चुका है, आपने देखा ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो इस फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आप इसमें पीछे हैं तो आप देखिए, इस चीज़ को देख लीजिए, सीख लीजिए। और अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं आप एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एज ए हेल्प डेस्क इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर इसके बारे में सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और अगर आप मांगेंगे तो मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में, आप वहां से जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं। और सारा वहां पर आपको सारा प्रोसेस भी मिलेगा, सारा इमेज भी मिलेंगी, और मैं आपको अगले वीडियो में वो दिखाई दूंगा, तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और टेक्निकल वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट में जॉब करते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब करते हैं या करना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।